दोस्तों कुछ इस प्रकार का तो इमेज आप लोग इंस्टाग्राम पर किसी के नाम से तो देख ही होंगे, पर दोस्तों किसी के नाम से सरस्वती माता के साथ इमेज देख करके ना आप लोग के मन में एक बात तो जरूर आता होगा। आप लोग यार सोचते होंगे कि हमको भी पता होता है ईएमएच कहाँ से बन रहा है, तो हम भी अपने नाम से सरस्वती माता के साथ इमेज बनाते हैं, वो भी अपने नाम से। तो दोस्तों वही हम आप लोग इस वीडियो में बताएंगे आप लोग कैसे सरस्वती माता के साथ अपना नाम लिख करके इमेज बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को उस तरह का इमेज बनाने के लिए ना वो भी अपने नाम से, सबसे पहले आप लोग को क्रोम या गूगल ऐप को ओपन कर लेना होगा। क्रोम ऐप को ओपन कर लेने के बाद ना दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर लेना होगा बिंग इमेज क्रिएटर। बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करते ही सबसे ऊपर साइड में एक वेबसाइट आ रहा है जिसपे लिखा है इमेज क्रिएटर, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं हमको इमेज बनाने के लिए लिखने का ऑप्शन मिल गया है। तो आप लोग को जिस तरह का इमेज बनाना है ना सरस्वती माता के साथ, तो आप लोग को वो यहाँ पर टाइप कर देना होगा। तो दोस्तों हम कॉपी करके रखे हैं, तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जा करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इमेज अभी प्रोसेसिंग में है, तो हमारा जो इमेज जो बन रहा है। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल पर न्यू है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इमेज है ना वो हमारे नाम से बन करके रेडी हो गया है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जिस भी इमेज को डाउनलोड करना होगा ना, तो यहाँ पर नीचे 3 डॉट मिल जाएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद से हम इस इमेज को आप लोग को ओपन करके दिखाते रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीपक के नाम से इमेज सरस्वती माता के साथ बन गया है। तो देखिए हाथ में जो बुक भी लिया है, तो आप लोग इस तरह अपने नाम से सरस्वती माता के साथ इमेज बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को हमारा अच्छा लगा हो ना, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर भी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।